हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में बताने वाली हूँ। और ऑलरेडी मैं बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बारे में और होम रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो वो जाके चेक कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, ठीक नहीं हो रही है उन सारी चीज़ों से भी। तो आज इस शैम्पू का मैं के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उससे आपकी 100% डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उस शैम्पू का नाम है स्कैल्प प्लस एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इस शैम्पू की खास बात यह है कि आपके डैंड्रफ को तो दूर करता है। जब डैंड्रफ होती है तो बालों में ईचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगती है, कुछ लोगों को दाने हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स पे काम करता है और आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है और आपकी डैंड्रफ को फिर से आने नहीं देता है। ये इतना इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें है कीटोकोनेजोल। कीटोकोनेजोल जो एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, और ऑलमोस्ट सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू में ये इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इस नाम से शैम्पू भी आते हैं। तो आप चाहें तो कीटोकोनेजोल जो शैम्पू आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है और आपकी डैंड्रफ को वो दूर करेगा। मुझे लगता है कि जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, कुछ लोग सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि सेल्सन्स शैम्पू, मुझे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर सही तरीके से यूज़ करोगे तो हर किसी को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू कैसे यूज़ करना है जिससे कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। ये जो स्कैल्प शैम्पू है, ये 75 ml का इसका पैक आता है और 200 अराउंड इसका MRP है, और आपको ऑनलाइन इस पर डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। मैं कहूँगी कि आप इसको ऑनलाइन परचेज ना करके आप कोई भी फार्मेसी होगी वहाँ से आप इसको परचेज करो, वहाँ से आप इसको लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी चार्ज लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये आफ्टर डिस्काउंट आपको 160 अराउंड का है और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस लग जाएंगे। तो आप अपने आसपास की मेडिकल शॉप से इसको परचेज कर लो और इसको यूज़ करो। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिर्फ इसको ही नहीं, सारे ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, जो तरीका मैं बताने वाली हूँ वैसे ही आपको सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है, नहीं तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको करना क्या है, अपने बालों को गीला कर लेना है। गीला करने का मतलब सिर्फ गीला करना है, बालों में से पानी नहीं गिरना चाहिए। सिर्फ आपको अपने बालों को, स्कैल्प को अच्छे से वेट कर लेना है। फिर इस शैम्पू को आप अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करो। डाइल्यूट आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट नहीं करो, थोड़े से पानी में आप डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए। ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है या कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, आपको अपने लेंथ पे नहीं लगाना है, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। क्योंकि ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके स्कैल्प पे ही होती है, तो आपको स्कैल्प पे लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। जब आप 1 मिनट तक मसाज कर लोगे फिर उसको 4 से 5 मिनट तक आपको लगे रहने देना है, और अगर आप उसको 4 से 5 मिनट तक लगे नहीं रहने दोगे ना तो उसका असर नहीं दिखेगा। तो मतलब 3 से 5 मिनट आपको बालों में लगे रहने देना है, उस बीच आप कोई भी काम कर सकते हो, ज़्यादा हो तो पैक वगैरह लगा सकते हैं। तो जब ये टाइम हो जाए आप बिल्कुल घड़ी देख के देख लगाना इसको, तो 3 से 5 मिनट जब हो जाए फिर आप इसको वाटर से, नॉर्मल वाटर से पहले वॉश कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी अपना शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए। इसके बाद आप शैम्पू ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फोमिंग होते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू में भी, क्योंकि शैम्पू ही है तो फोम होता ही है, तो बाल क्लीन हो जाते हैं। पर आपको एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। कंडीशनर यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो आपके बालों को रफ़ करते हैं, थोड़ा सा रफ़ फ्रिजी बना देते हैं, क्योंकि इसमें इतने पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपके डैंड्रफ को दूर कर रहे हैं। तो वो बालों की जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, उसको कम कर देते हैं, बाल रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं। तो ये फ्रिजीनेस, ड्राइनेस दूर करने के लिए आप एक अच्छा कंडीशनर यूज़ करो। कंडीशनर को भी 3-4 मिनट तक बालों में लगे रहने दो, फिर वॉश कर लो। ये आपका पूरा प्रोसेस है।
इसको यूज़ कब करना है? तो देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, मतलब झड़ रही है इस टाइप की डैंड्रफ है, तो आप इसको सप्ताह में 2 बार ज़रूर यूज़ करो। आपको 1 महीने तक यूज़ करना है। अब 1 महीने में जैसे 4 वीक्स होते हैं, तो आप 2 वीक्स दो दो बार यूज़ करना, और इतने में आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो ही जाएगी। फिर हो तो आप सप्ताह में एक एक बार इसको यूज़ कर लेना, और बाकी जो अगर सप्ताह में दो बार करते हो, तो दूसरी बार आप अपना जो भी रेगुलर शैम्पू है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, इनको हमेशा हमेशा यूज़ नहीं करना है, इनको तब तक ही यूज़ करना है जब तक आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती। और आपको माइल्ड डैंड्रफ है, तो आप इसको सप्ताह में एक बार ही यूज़ करो, इससे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1-2 वॉश में ही इसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा ही डैंड्रफ होगी तब आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नहीं तो 2-3 वॉश में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप इसको एक बार करके छोड़ देते हो, तो हो सकता है आपकी डैंड्रफ फिर से वापस आ जाए, क्योंकि डैंड्रफ का एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाता। कई बार गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आने से डैंड्रफ हो जाती है, ठंड में ठंडी हवाओं से हो जाती है, तो मतलब अलग अलग मौसम में ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है और डैंड्रफ वापस आ जाती है। तो अगर आप एक बार वॉश करके छोड़ देंगे तो डैंड्रफ फिर से आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको आप 15-20 दिनों तक यूज़ करो, मतलब सप्ताह में एक एक बार यूज़ करो, तब आपकी डैंड्रफ कम्प्लीटली चली जाएगी और फिर से नहीं आएगी। तो ये जो शैम्पू है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल आप इसको यूज़ करके देखना। मैं कहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हो पर डैंड्रफ नहीं जा रहा है, तब इस शैम्पू को ट्राई करें। अगर आपको हल्का थोड़ा बहुत डैंड्रफ है, तब आप हेड एंड शोल्डर से भी दूर कर सकते हो। अगर उसको भी आप अच्छे से यूज़ करोगे तो उससे भी डैंड्रफ चली जाती है। पर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके ज़रूर देखना, और पसंद आए तो मुझे बताना। अगर आप इसको यूज़ कर चुके हो तो भी मुझे बताना। और अगर ये वाला स्कैल्प शैम्पू अगर नहीं मिल रहा है आपको, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे और ऑप्शन दे दूँगी, आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि उनमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो। ये जो शैम्पू है, ये इसमें कीटो कोनेज़ोल तो है ही, साथ ही साथ काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। और भी ऑप्शन दे दूँगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।